नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वो क्यों सुपर पावर देश के तौर पर जाना जाता है, और अपनी सुपर पावर जो शक्तियाँ हैं उसका उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है वो है डॉलर। जी हाँ, और उसी डॉलर के दम पर उसने चीन की जो पिछले 2 महीनों में उसने जितनी भी मेहनत की थी अपने आप को एक नेता बनाने में, वर्ल्ड लीडर बनाने में, स्थापित करने में, अपने आप को दुनिया में एक सुपर पावर स्थापित करने में, सारी पर पानी फेर दिया है यहाँ पर अमेरिका ने, और इसमें कुछ हद तक हाथ चीन का भी है। जी हाँ, दरअसल पहले हुआ क्या कि जब से कोरोना का वायरस ये फैलने लगा, खासकर अमेरिका ने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं दुनिया भर में देशों को सपोर्ट करना शुरू किया और ये गैप बना दुनिया भर में एक वर्ल्ड लीडर का। तो इसे भरने के लिए चीन ने क्या किया, दुनिया भर में अपनी जो टेस्टिंग किट्स थी वो पहुंचानी शुरू कर दी, दुनिया भर के देशों को मदद शुरू कर दी, जैसे कि टेस्टिंग किट या मास्क। पैसे से वो मदद कर नहीं सकता था क्योंकि चीन की हालत वैसे ही, जो इकोनॉमिक वार हुआ है उसका भी अमेरिका के साथ, उसकी हालत वैसी खस्ता थी। लोगों ने हाइप भले क्रिएट कर रखी है चीन की, ऐसा कुछ खास है नहीं जैसे उसकी हाइप क्रिएट की गई है। तो ऐसे में अमेरिका के सामने एक बड़ा चैलेंज हो गया कि इसमें चीन दरअसल अपना प्रोपेगेंडा में सफल हो रहा था, ये कहते हुए कि जी हमारे यहाँ तो नेचुरल तरीके से कोरोना फैला, या फिर चीन जो अमेरिकी सेना है उसने यहाँ पर कोरोना फैलाया है, और हम तो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर हैं, हम सबकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सामने था कि वो कौन सी ऐसी चाल चले कि चीन की इस चाल की जो काट हो। तो उसके पास एक ऐसी चीज़ है जी हाँ, जो चीन के पास मुश्किल है होना, वो है डॉलर, अमरीकी डॉलर। जी हाँ, और अमरीकी डॉलर ही चीन की सबसे बड़ी काट है। जी हाँ, ना कि उसकी सेना तो है ही है खैर, लेकिन ऐसे समय में जब पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, अमेरिका ने एक बड़ी अमाउंट जारी कर दी, और ये भी कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, वो और ज़्यादा पैसा दुनिया भर के देशों को देगा, और इससे जो देश जो मतलब एक तरीके से पक्ष में जा रहे थे चीन के, वो वापस आना शुरू हो गए अमेरिका के। उदाहरण के तौर पर स्पेन, स्पेन को जैसी मदद जारी हुई अमेरिका की तरफ से, वो वापस पाले में आ गया, चीन के उसने टेस्टिंग किट वापस करवा दी। हालांकि टेस्टिंग किट वापस करवाने का कारण ये भी था कि टेस्टिंग किट में नकली थी, वह फेल थी सारी की सारी, और वह वापस इसलिए भी करवाना शुरू कर दिया। इटली ने भी वापस करानी शुरू कर दी है, और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के जो गरीब देश थे उन्होंने भी वापस करानी शुरू कर दी है, क्योंकि एक तो टेस्टिंग किट फेल थी, दूसरी तरफ अमेरिका ने ऑप्शन दे रखा था कि आप हमसे, हम आपको टेस्टिंग किट भी देंगे, हम आपको वेंटिलेटर भी देंगे, मेडिकल इक्विपमेंट भी देंगे, और ऊपर से अमेरिकी डॉलर भी देंगे। जी हाँ, और ये और साथ ही एक बड़ा सपोर्ट होता है अमेरिकी डॉलर का, जिस भी देश के पास जाता है ना, सिर्फ उसे फ़ायदा तो होता ही है, साथ ही उसकी इकोनॉमी भी रिबिल्ड होती है। और ऐसे समय में दुनिया भर की इकोनॉमी जब गिर रही है, अमेरिकी डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ बनकर सामने आया है दुनिया भर में। जी हाँ, गोल्ड से भी ज़्यादा वर्थ इस समय अमेरिकी डॉलर की है, आप भारत में भी जानते हैं 76 रुपये तक पहुँच गया अमेरिकी डॉलर, क्योंकि दुनिया भर में जब रिसेशन आता है तो सभी लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए जो मार्केट्स है उससे निकालकर डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्योंकि सबको पता है कि डॉलर एक भरोसेमंद करेंसी है, भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है, कि सब कुछ डूब भी जाएगा तो डॉलर बचा रहेगा दुनिया में, क्योंकि 80-90% जितना भी व्यापार होता है दुनिया भर में डॉलर से होता है। तो अमेरिका ने कितनी अमाउंट जारी किया है, करीबन $170 मिलियन का तो अभी परसों ही जारी किया है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही $100 मिलियन का और जारी किया था, और ये जो 170 मिलियन का ये सिर्फ 65 देशों को मिलेगा, इसमें भारत भी शामिल है, ये सिर्फ लेबोरेटरी बनाने के लिए। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा यहाँ पर दुनिया भर में की इकोनॉमी में पैसा पंप इन करेगा, जिससे कि इकोनॉमी दुनिया भर की खड़ी हो। जी हाँ, और ये चीन के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि चीन ने 2 महीने तक जो प्रोपेगेंडा फैलाया था सारा का सारा ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, और इसका इस पैसे के बांटने का असर अफ्रीकी देशों में भी देखने को मिला है। अफ्रीका के देश जो चीन के पक्ष में खड़े थे, जैसे कि इथोपिया वगैरह, ये भी अब खड़ा होना शुरू हो चुके हैं चीन के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन में। यहाँ तक कि एक देश इक्वाडोर, जिसने एक प्रस्ताव भी लाया था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में कि जी जो ये कोरोना वायरस है इस पर चर्चा की जाए, हालांकि आने वाले समय में देखेंगे कि उस पर चर्चा होती है नहीं होती है, और अगर चर्चा होती है तो चीन के लिए एक बड़ा एम्बेरसमेंट होगा। यानी कि अमेरिका की ये टैक्टिक बहुत कारगर साबित हो रही है, और अमेरिका ने झड़ी लगा दी है अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयों की, चाहे वो ताइवान के एक तरीके से खिलाफ ताइवान का सपोर्ट करना हो, चाहे वो एक तरीके से दुनिया भर में करेंसी बांटना हो, या फिर भारत को एक तरीके से सपोर्ट करना हो। अगर आपने सुबह वाली वीडियो देखी तो जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे भारत जो चीन के खिलाफ बोल नहीं पा रहा था, कारण था कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे चीन से, अमेरिका ने कहा है कि वो भारत को इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, उसमें वेंटिलेटर होंगे, इसके अलावा मदद करेगा आने वाले समय में, जो भी वैक्सीन होगी वो भारत को सप्लाई कर अगर इसकी वैक्सीन अमेरिका बना पाता है तो, जो उम्मीद है कि बना ही लेगा। तो अब भारत भी एक तरीके से भी खुलकर सामने आने लगा है चीन के खिलाफ।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिलहाल तो मुझे इसके बारे में इतनी डिटेल मिल पाई है, जैसे ही और डिटेल मिल पाएगी मैं आपको सूचित करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब की शेयर, थैंक यू वेरी मच।